देखिए फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो डे एज ऑफ द फादर फोर ईयर एगो वॉज एट टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है गाइस, देखो क्या दिया आप लोगों को फादर और कौन दिया सन। ठीक है, उनके रेशियो कितना है गाइस, एट टाइम्स मीन्स इसको एट और इसको वन लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसा दिया आपने को एट टाइम्स मीन्स एट और वन। ठीक है, कितने साल पहले गाइस, फोर ईयर एगो मीन्स यहाँ पे माइनस फोर और यहाँ पे माइनस फोर, फोर ईयर पहले। ठीक है, इसके बाद देखो एट प्रेजेंट द फादर एज इज फोर टाइम्स दैट ऑफ हिज सन मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट वाले दिए अपने को कितने टाइम्स का रेशियो दिया है, फोर टाइम्स का। देखो ठीक है, तो यहाँ पे फोर लिख लेंगे और यहाँ पे वन, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखो कुछ नहीं करना, वो स्टेप अपने एट इंटू वन फोर इंटू वन, एट हो जाएगा एट इंटू वन और फोर इंटू वन माइनस फोर, अपना फोर बचा, फोर इंटू वन फोर इंटू फोर कितना हो जाएगा सिक्सटीन माइनस फोर, ये आपका ट्वेल्व हो गया। मीन्स फोर रेशो इज इक्वल टू ट्वेल्व है तो वन रेशो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री। ठीक है, वन रेशो इज इक्वल टू थ्री आ गया अपना। मीन्स उसके बाद देखिए गाइस, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज कौन से गाइस, ये फोर टाइम्स अपने को दिया था। ठीक है, अपन यहाँ पे देखिए अपने को प्रेजेंट वाले चाहिए, पर यहाँ पे क्या है गाइस, फोर ईयर पहले वाली अपने को फोर ईयर पहले बोला है। ठीक है, यहाँ पे तो अपने को प्रेजेंट वाली एज चाहिए, तो क्या कर सकते गाइस अपन, देखो सन ये जो वन रेशियो इज इक्वल टू थ्री आया उसको थ्री लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फोर ईयर पहले का बोला है क्वेश्चन में, अपने को प्रेजेंट एज चाहिए मीन्स फोर ईयर बाद, तो क्या हो जाएगा प्लस फोर। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर है, सेवन ईयर्स। ठीक है, नोट डाउन कर ले गाइस, अपने को फोर ईयर पहले का बोला था, अपने को प्रेजेंट एज पूछा है, फोर ईयर बाद का करेंगे तो प्लस फोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेवन ईयर आपका आंसर रहेगा, बी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज फाइव रेशियो एट दिया आपने। ठीक है, पी और क्यू दिया है गाइस, उनका रेशियो कितना दिया है, फाइव और एट। ठीक है, उसके बाद देखो आफ्टर फोर इयर्स मींस आफ्टर लिखा है तो प्लस आ जाएगा, आफ्टर फोर ईयर प्लस फोर दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द देयर एजेस विल बी टू और थ्री हो रहा है। ठीक है, ये भी समझ गया। इसके बाद देखो व्हाट इज क्यू एज एट प्रेजेंट अपने को पूछा है, क्यू की प्रेजेंट एज अपने को पूछा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देखो फाइव इंटू थ्री करेंगे कितना हो जाएगा फिफ्टीन और एट इंटू टू करेंगे सिक्सटीन हो जाएगा माइनस फिफ्टीन, वन बचा, फोर इंटू थ्री कितना हो जाएगा ट्वेल्व माइनस फोर इंटू टू एट, ये आपका फोर बचा, मीन्स वन रेशो इज इक्वल टू आपका हो गया फोर। ठीक है, आपको क्या पूछा गाइस, व्हाट इज क्यू एज एट प्रेजेंट पूछा है। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली आंसर निकल रहा है गाइस, क्या फोर ईयर बाद बोला था मीन्स प्रेजेंट ही है। ठीक है, देखो क्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे गाइस, ये जो अपना बेस रेशो एट है ये ले लेंगे इन टू फोर, अरे आपका आंसर आ गया 32 इयर्स। ठीक है, समझ गया गाइस, कुछ नहीं किया, बेस रेशो का 8 लिए और इंटू फोर कर दिए। ठीक है, इसलिए आपका आंसर रहेगा डी, डी इज दी फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया, देखो ए फादर एज इज फोर टाइम्स एज मच एज द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज थ्री चिल्ड्रन। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है गाइस वही लिखते हैं। सबसे पहले देखो सिंपल क्वेश्चन है, फादर है। ठीक है, उसके क्या है गाइस, फोर टाइम्स एज मच एज द सम ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, थ्री चिल्ड्रन दिए, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, थ्री चिल्ड्रन दिए। ठीक है, और वो क्या है गाइस, फोर टाइम्स, यहाँ पे डायरेक्टली फोर लिख लेंगे। ठीक है, ये समझ गया, फोर टाइम्स चिल्ड्रन दिया था फादर के, ये अपने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए गाइस, फोर एफ के नीचे आ जाएगा। ठीक है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इज इक्वल टू एफ डिवाइड में क्या आ जाएंगे गाइस, फोर, ये समझ गया, और ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, यहां तक समझ गया। इसके बाद देखिए आफ्टर सिक्स ईयर्स, आफ्टर सिक्स ईयर मीन्स देखिए गाइस, हेंस हिज एज मीन्स किसकी एज गाइस, फादर की एज। ठीक है, विल बी ओनली डबल द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं गाइस, ए प्लस सिक्स क्यू, क्योंकि आफ्टर सिक्स ईयर हिंस हिज एज, हिज मीन्स फादर। ठीक है, इक्वल टू, इक्वल देखिए गाइस, विल बी ओनली डबल हो रही है दिस सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, डबल हो रही है मीन्स क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे अपन टू कर देंगे। ठीक है, डबल हो रही है ना,
इसलिए यहाँ पे टू लिखे, ठीक है। इसके बाद देखिए सम करना है तीनों का, ठीक है, सी वन प्लस, पर क्या हो रहा है आफ्टर सिक्स ईयर वो किसके साथ रहेगा, फादर के लिए भी रहेगा और चिल्ड्रन के लिए भी, ठीक है, तो इसमें भी प्लस कर देंगे, सी टू प्लस सिक्स प्लस सी थ्री प्लस सिक्स, ठीक है, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखिए इसको अपन और सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, देखो टू इन टू, देखो अपने को आंसर निकालना है गाइस तो अपने को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा क्योंकि अपना इक्वेशन एफ डिवाइड बाय फोर इसके बराबर है, ठीक है, ये आराम से निकल रहा है, देखो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ये बन गया, इंटू भी क्या चलेगा फिर गाइस, सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स कितना हो जाएगा एटीन, ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस, इसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, देखो एफ प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू इन टू, देखो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री क्या है गाइस, एफ डिवाइड बाय फोर, एफ डिवाइड बाय फोर है इंटू एटीन, ठीक है, ये समझ गया, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखो इसको अगर काटेंगे अपन दो बार, ठीक है, ये ब्रैकेट में है जो टू है इसके साथ भी रहेंगे और इसके साथ भी रहेंगे, ठीक है, इसको काटे दो बार और ये अपना मल्टीप्लीकेशन में चलेगा, मीन्स ये अपना हो जाएगा थर्टी सिक्स, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, देखो ए प्लस सिक्स, देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे गाइस, टू टू का अगर इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा टू, मीन्स एफ डिवाइड बाय टू, ठीक है, फिर टू इंटू एटीन करेंगे कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स, मल्टीप्लीकेशन में चलेंगे इसके और इसके डिवाइड में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इधर ला लेते, एफ माइनस एफ डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा गाइस, एफ डिवाइड बाय टू, इधर बचा थर्टी, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे गाइस, थर्टी इंटू टू मीन जो फादर की एज है वो कितने बन जाएंगे अपने सिक्सटी ईयर्स, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर, ठीक है, देखो सी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल, ए मैन एज इज 150% ऑफ व्हाट इट वाज 10 इयर्स एगो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे परसेंट है 150 और यहाँ पे 1% है 75, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर देंगे, देखो 150% का रेशियो कितना निकल जाएगा, देखो 150 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये 50 से कटा तीन बार और ये कटा दो बार, ठीक है, मीन्स 150 का रेशियो आ गया 3/2, 75 का रेशियो निकालते हैं, देखो 75 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 25 से कट जाएगा तीन बार अरे चार बार, ठीक है, मीन्स इसका रेशियो आ गया 3/4, ये समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस उसने क्या बोला है, बट 75% ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है, पहले क्या बोला है बिफोर 10 इयर्स मीन्स एगो 10 इयर्स, उसके बाद बोला है आफ्टर 10 इयर्स व्हाट इज हिज प्रेजेंटेज अपने को ढूंढना है, तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देखो यहाँ पे तीन दिए गए अपने को, प्रेजेंट दिया है, फ्यूचर भी दिया है और पास्ट भी दिया है, ठीक है, तो ये समझिए पास्ट है रेशो प्रेजेंट, ठीक है, रेशो यहाँ पे आ जाएगा फ्यूचर, ठीक है, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखो जो पास्ट वाला है तो क्या बन जाएगा अपना 3/2, पर देखिए जो पास्ट में है, पास्ट में से अपन प्रेजेंट में जाएंगे तो एक वैल्यू बड़ी रहेंगी, ठीक है, 150% का क्या दिया था अपने को, देखो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आएगा, क्यों, पास्ट में एक वैल्यू कम रहेगी प्रेजेंट में वो बढ़ जाएंगी, ठीक है, इसलिए 2 और 3 यहाँ पे आया, ठीक है, 150% हो गया। उसका देखो 75% का अपने को दिया है कितना 3/4, ठीक है, तो देखिए गाइस फ्यूचर में ज्यादा रहेगा मीन्स 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और जो प्रेजेंट में वो क्या रहेगा कम मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये समझिएगा गाइस। इसके बाद देखो 3 की जगह यहाँ पे ले लेंगे और 3 की जगह यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं किए उसके बाद वाली वैल्यू जहाँ पे कोई नहीं है वहां पे लिख ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका 6, ये आपका 9, ये आपका 12, ये कट जाएगा आपका 3 से 2 बार, ये 3 बार कट जाएगा और ये 4 बार, ये समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस अपने क्या बोला, व्हाट इज हिज प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज अपने को ढूंढना है, देखो इसमें का अगर डिफरेंस दिखे गाइस तो डिफरेंस दिखेंगे तो सब में 1 का डिफरेंस है, ठीक है, जो पहले जो एगो बोला है मीन्स बिफोर में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है और जो आफ्टर में डिफरेंस है वो भी 1 का डिफरेंस है, मीन्स 1:10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, फिर 1:10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 10 का हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख लेंगे, ठीक है,
सब में वन का डिफरेंस है तो वन रेशियो इज इक्वल टू टेन लिख लिए, ठीक है। अपनों क्या निकालना है प्रेजेंट एज, तो देखो सिंपल है, प्रेजेंट इज इक्वल टू, प्रेजेंट में कौन सा आया गाइस, थ्री, ठीक है, यहाँ पे थ्री लिख लेंगे, और जो अपना रेशियो था वन रेशियो इज इक्वल टू टेन, तो इसको मल्टीप्लीकेशन में कर देंगे, ठीक है, और यही आपका आंसर निकल गया, थर्टी आंसर, ठीक है, थर्टी ईयर्स रहेंगी, ठीक है, समझ गया गाइस, कुछ नहीं किया, पहले परसेंट सॉल्व किया अपन ने, फिर 10 ईयर पहले और 10 ईयर बाद में बोला था, ठीक है, तो मींस ये अपन ने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लिखे, फिर उसका रेशियो यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, रेशियो लिखे तो अपने को 2, 3, 4 सब में वन का डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया गाइस, वन रेशियो इज इक्वल टू टेन का डिफरेंस दिखा दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 ईयर पहले और 10 ईयर बाद में, ठीक है, तो 10 ईयर का डिफरेंस मीन जो अपने को प्रेजेंट निकालना है, तो प्रेजेंट में क्या आएगा फिर गाइस, करंट वाला यहाँ पे थ्री लिख लें इनटू जो रेशियो था वो 10, मीन 30 ईयर अपना आंसर आ गया, बी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो गाइस। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ए मैन एज इज 125% ऑफ व्हाट इट वाज 8 इयर्स, मींस 8 ईयर एगो बोला है गाइस, तो 8 ईयर पहले का निकाल लेते हैं परसेंट, ठीक है, देखो 125% है, ठीक है, इसका कितना निकल जाएगा, देखो 125 डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, ठीक है, ये चार बार कट जाएगा और ये आपका पांच बार कटेगा, मीन्स 5 डिवाइड बाय 4 ये आपका रेशो निकल गया, ठीक है। इसके बाद देखिए गाइस, बट 80% ऑफ व्हाट इट विल बी 10 ईयर, ठीक है, आफ्टर 10 है, मीन्स ये आपका एगो वाला था, ये आपका आफ्टर वाला, कितना 10 ईयर, ठीक है, कितना है 80%, 80% का रेशियो में निकाल लेंगे, 80 डिवाइड बाय 100 कितना बार कट जाएगा, देखो 4 और यहाँ पे 5, 4:5 आपका आ गया, ठीक है। जो ये क्वेश्चन देखेगा इस बाद में, व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, मीन जो ये क्वेश्चन दिख रहा है गाइस, ये सेम पहले जो सॉल्व किए थे उसके ऐसा है, ठीक है, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पास्ट प्रेजेंट और यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है, ये आपका हो गया फ्यूचर, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखो, पहले 125% का देखेंगे, 5 और 4 दिया है, ठीक है, तो पास्ट में क्या रहेगा गाइस, वैल्यू कम ही रहेंगी, प्रेजेंट में जाके एक बढ़ जाएंगे, मीन्स यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखो 10 ईयर बाद का देखते हैं, 4 और 5, ठीक है, प्रेजेंट में कम रहेंगे 4 और पास्ट में बढ़ जाएंगे, मीन्स फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, ठीक है, यहां तक समझ गया। इसके बाद देखो, या की वैल्यू अपने ढूंढना है, या की वैल्यू ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 5 इसके बाजू वाला और इसके बाजू वाला यहाँ पे, ठीक है, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखो, ये आपका हो रहा है 16, ये 20 और ये आपका 25, ठीक है, ये हो गया गाइस। इसके बाद देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है गाइस इसमें, देखो अच्छे से, ठीक है, यही रखते हैं, ठीक है, देखो अगर इसको अच्छे से देखे गाइस, तो इसका डिफरेंस अपने को 4 का दिख रहा है और इसका डिफरेंस अपने को 5 का दिख रहा है, ठीक है, 4 और 5 का डिफरेंस है, ठीक है, मींस ये जो आपने को दिया है 4 रेशियो किसके बराबर आ जाएंगे गाइस, फिर 10 ईयर एगो के बराबर, ठीक है, ठीक है, 10 ईयर के बराबर क्या हो जाएंगे गाइस, अपना ये 4 रेशियो हो जाएगा। उसके सेम 10 ईयर मीन्स ये 10 ईयर का है, 10 ईयर किसके बराबर आ जाएंगे गाइस, 5 रेशियो के बराबर, ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखिए, इसको काटेंगे अपन 2 बार और इसको काटेंगे अपन 2 बार, ठीक है, दोनों का सेम आ रहा है अभी रेशो गाइस, इसका 2 रेशो इसका भी 2 रेशो आया, ठीक है, अपने निकालना क्या है, प्रेजेंटेज कितनी दी अपने को, 20, ठीक है, तो जो अपनी प्रेजेंटेज है गाइस वो डायरेक्टली अपनी निकल जाएंगे, देखो कितना ये 20 और दोनों का रेशो सेम है 2 और 2, तो 2 क्या करेंगे गाइस, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, देखो 40 ईयर, ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, सी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो, सिंपल क्वेश्चन था गाइस, कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, देखो द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए सन एंड हिज फादर इज 1 और 5, अपने को रेशो दिया, किस चीज का दिया है गाइस, देखो पहले सन और फादर का दिया, ठीक है, तो यहाँ पे सन लिख लेंगे, यहाँ पे हो गया फादर, ठीक है, इतना अपने को पता है, ठीक है, कितना रेशो दिया उनका 1 और 5, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। उसका देखो एंड दैट ऑफ हिज मदर, मदर बी एड मीन्स
मदर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मदर एंड इज उनका रेशियो गाइस फादर एंड मदर का कौन कितना है, 4 और 5, ठीक है, मदर क्या क्या रहेगा, 4, मीन्स यहाँ पे मदर का 4 आ जाएगा, ठीक है, और फादर का कितना है, 5, ये 5 आ जाएगा, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखो आफ्टर 2 ईयर्स मीन्स यहां तक फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर देंगे, ठीक है, देखो ये 4 था, तो यहाँ पे अपने को वैल्यू ढूंढना है, यहाँ पे वैल्यू ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, कैसे, तो ये 5 इसके बाजू में चलेंगे, ठीक है, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 5, 25 और ये 20, इसको काटेंगे 1 बार, इसको काटेंगे 5 बार और इसको काटेंगे 4 बार, 1, 5 और 4 अपने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, 2 ईयर्स द रेशो ऑफ द एज ऑफ सन टू दैट ऑफ हिज मदर बिकम 3 और 10 हो जाता है, ठीक है, सन और मदर का कितना रेशो बन रहा है गाइस, 3 और 10, ठीक है, 3 और 10 बन रहा है, ठीक है, इधर देखे सन फादर और ये मदर, ठीक है, ये कितना बना है अपना, 1, 5 और ये आपका 4, ठीक है, यहां तक अपन ने सॉल्व किया तो इतना बन गया था अपना रेशियो, ठीक है। उसके बाद और एक रेशियो दिया है 3 और 10, किसका, सन और मदर का, कितना है गाइस, 3 और 10, ठीक है, 10 मदर का रहेगा और ये आपका 3 रहेगा इसका, ठीक है, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखिए इसको अपने को क्या करना है, इसका जो डिफरेंस है मीन्स अपने को सेम निकालना है, ठीक है, मीन्स अपने को सब सेम चाहिए डिफरेंस सबका, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो क्या कर सकते गाइस अपन, इसका अगर डिफरेंस देखे 1 और 4 का, क्योंकि यहाँ पे अपने को वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, 1 और 4 का डिफरेंस देखेंगे तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस जो आपका 3 का आ रहा है, ठीक है, और इसका अगर डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का, ठीक है, 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं और 3 का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 ये हो गया, अब अपने को आंसर निकालना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे अपन x लगा देंगे, ठीक है, इसका देखो 7 से इसको करेंगे तो ये आपका 35 हो जाएगा, 7 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28x, ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद 3 से इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9x, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे फिर 3 × 10 करें कितना हो जाएगा, 30x, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखो इसको अगर अच्छे से देखेगा इस तो सब में डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 2 का ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इसका भी 2 का आ रहा है, ठीक है, आगे गाइस डिफरेंस सेम, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, पर ये जो 2 का डिफरेंस है किसके बराबर है गाइस, 2 साल के बराबर है, मीन्स 2 ईयर के बराबर है, ठीक है, इसलिए 2 ratio is equal to 2 year हो जाएगा, ठीक है, मीन्स 1 ratio is equal to 1 year आ जाएगा, ठीक है, 1 year equal to 1 year हो गया, मीन्स 1 ratio is equal to 1 year हो गया, ठीक है, अब लोग निकालना क्या गाइस, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर की एज अपने को निकालना है, सिंपल है, देखो ये कितना निकला था अपना 35, ये फादर का ही रहेगा ना, बीच का, ठीक है, ये बीच का फादर का ही रहेगा, तो ये 35 था, तो 35 क्या करेंगे, देखो फादर की प्रेजेंट एज इज इक्वल टू ये 1 ratio किसके बराबर रहेगा, 35 के, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है, समझ गया गाइस, इज द 35 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, डी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो, कुछ नहीं कर रहे गाइस, इसमें 3 ratio दिए, पहले 2 ratio अपन ने सॉल्व किए, फिर उसके बाद और एक रेशो एड किए, फिर इसका डिफरेंस बराबर नहीं था, इसका डिफरेंस बराबर लाए, 2 का डिफरेंस आया, अपने को फादर की एज ढूंढनी थी प्रेजेंट वाली, तो 1, 2 year बराबर 2 ratio is equal to 2 year हो गया, तो 1 बराबर 1 आ गया, तो अपने क्या किया, 35 को मल्टीप्लीकेशन करे किससे, 1 से, तो अपना 35 year आंसर आया, ठीक है, नोट डाउन कर लो गाइस। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इफ 6 years आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंड मदर राहुल इज ऑब्टेन, ठीक है, एक पार्ट है गाइस, ये सेकंड पार्ट चालू हो रहा है, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते, देखो इफ राहुल इज 2 year यंगर टू राजू हुज एज इज 5 year, मीन्स जो राजू है गाइस, ठीक है, और कौन दिया है, राहुल, ठीक है, राजू और राहुल दिया है, देखिए इफ राहुल इज 2 year यंगर टू राहुल हुज एज इज 5 year, मीन्स राहुल की एज 5 year है, ठीक है,
राहुल की एज 5 ईयर है, पर राहुल क्या है गाइस 2 ईयर यंगर, मीन्स छोटा है किससे, राहुल से। तो अपन क्या करेंगे इससे 2 ईयर छोटा करेंगे तो अपना 3 ईयर आ जाएगा, ठीक है, -2 कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था वैसे अपने लिख लिया, ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस यहां तक हो गया, देन व्हाट इज द एज ऑफ राम की एज अपने को ढूंढना है, ठीक है। देखो इफ 6 ईयर आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ राम, मीन्स जो राम है गाइस, ठीक है, 6 ईयर अपने क्या करना है सब्सट्रैक्ट मीन्स माइनस कर देंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है वही लिखे अपने, ठीक है। फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, रिमाइंडर बाय 18 मीन्स डायरेक्टली बोला है गाइस, देखो डिवाइडेड बाय 18 कर रहा है, 18 कर दिए, ठीक है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन राहुल इज ऑब्टेंड, ठीक है, ये अपने को बोला है। प्रेजेंट एज राहुल की एज कितनी रहेंगे गाइस फिर 3 ईयर रहेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बोला है राहुल इज ऑब्टेंड ग्रैंडसन, ठीक है, राहुल की एज 3 ईयर थी, 3 ईयर लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए गाइस इसको अपन अच्छे से देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। राम माइनस 6 इज इक्वल टू 18 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 54, ये समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस जो राम की एज है, राम इज इक्वल टू क्या करेंगे 54 प्लस 6 कर देंगे, यार आपकी राम की जो एज है वो निकल गई 60 ईयर्स, ठीक है, समझ गया गाइस। जो क्वेश्चन में लिखा था वही अपन ने किया है, ठीक है, 60 ईयर्स इज द फाइनल आंसर, ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 50 इज 4:1 दिया है, किस किस के रेशो है गाइस, बॉयज और क्या दिया है गर्ल्स, ठीक है, इनका रेशो कितना दिया है 4:1, ठीक है, यहां तक सही है गाइस। पर टोटल कितना है गाइस, द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 50 है, किसके बराबर रेशो है, 4:1 के बराबर कितना है 50, टोटल अपने को 50 दिया है, मीन्स इसको क्या करेंगे अपन 4+1 ये हो गया आपका 5, मीन्स ये 5 रेशो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 50, ठीक है, मीन्स 1 रेशो इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा फिर गाइस 10, ये समझ गया। 4:1 जो रेशो दिया तो किसके बराबर है 50 के बराबर, ठीक है, मीन्स 1 रेशो इज इक्वल टू अपना 10 आ गया, ठीक है। पर फिर ये 10 क्या करना पड़ेगा गाइस अपने को, देखिए इसको देना पड़ेगा, देखो बॉय और जो गर्ल है तो 10 इसको देंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 10 इसको दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ गया। इसके बाद देखिए द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस, मीन्स जो बॉयज है, ठीक है, उनकी जो एवरेज एज है गाइस वो क्या हो रही है ट्वाइस हो रही है, किसके बराबर, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, किसके बराबर, नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर हो रही है, गर्ल्स का कितना है एवरेज टोटल 10 ईयर, ये आपका बॉयज का आ गया 20 ईयर, ठीक है, यहां तक समझ गया गाइस। इसके बाद देखो द टोटल ऑफ द एजेस इन ईयर्स ऑफ द बॉयज इन द क्लास अपने को ढूंढना है, तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देखो कुछ भी नहीं करना है, बॉयज का अपने को एज ढूंढना है तो कुछ क्या करना पड़ेगा, देखो 40, देखो टोटल बॉयज यहां पे लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने टोटल बोला, टोटल ऑफ द एजेस इन द बॉयज, ठीक है, यहां पे टोटल लिख देंगे तो टोटल एज अपना हो जाएगा, देखो पहले बॉयज का कितना है 40, क्यों 40 है बॉयज का ले रहे क्योंकि यहाँ पे बॉयज का लिखा है पूछा है, ठीक है, 40 × ये फिर से 20 अपना निकला, इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 800 ईयर्स, ठीक है, 800 ईयर्स आंसर आ गया और वही क्या आपका फाइनल आंसर, ठीक है, सी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर वॉज 17 ईयर, ठीक है, 3 ईयर एगो दिया है, ठीक है, देखो द 3 ईयर एगो यहाँ पे लिख लेंगे कितना है गाइस, 3 ईयर एगो 5 मेंबर है और 17 ईयर्स मीन्स 17 ईयर इंटू क्या करेंगे 5 मेंबर, ठीक है, ये समझ गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा गाइस 85, ये समझ गया। इसके बाद देखो ए बेबी हैविंग बीन बॉर्न, एक बेबी बॉर्न होती है, ठीक है,
थ्री ईयर पहले दिया, मीन्स थ्री ईयर बाद का कर लेंगे क्योंकि वहां पे बेबी बॉर्न हो रही है, ठीक है, थ्री ईयर आफ्टर, ठीक है। थ्री ईयर आफ्टर का कैसे रहेंगे गाइस, फिर देखो क्या करेंगे अपन, ये थ्री इंटू कितने मेंबर थे, फाइव, ठीक है, फाइव मेंबर थे, आपका आ गया कितना, फिफ्टी, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखो ये दोनों का अपन प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, हंड्रेड, ठीक है, हंड्रेड हो गया टोटल। इसके बाद देखिए गाइस वहां पे क्या हो रहा है, ए बेबी हैविंग बीन बॉर्न, एक बेबी बॉर्न हो गई, ठीक है, पहले कितने मेंबर थे गाइस, फाइव, ठीक है, एक बेबी बॉर्न हो रही है, मीन्स अभी कितने मेंबर हो गए, सिक्स, ये समझ गया। जो क्वेश्चन में गाइस वही लाइन को पढ़ के मैं लिख रहा हूं, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली रिमेन्स द सेम टूडे, ठीक है, द एज ऑफ द बेबी टूडे इस अपने को ढूंढना है, सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, कितने ईयर है, 17 ईयर, तो 17 ईयर जो है गाइस उसको क्या करते हैं वो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो कितना आएगा ये, 102 ईयर आ रहा है, ठीक है, 17 ईयर तो डिफरेंस सेम ही रहेगा ना, ठीक है, बेबी बॉर्न हुई पहले 17 ईयर था और अभी भी 17 ईयर, तो 17 ईयर क्या किया गया सपून ने, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अभी कितना है, 102, ठीक है, तो देखो अपने को बेबी की एज पूछी है तो बेबी लिख लेंगे, इज इक्वल टू 102 आया अपना करंट वाला और यहाँ पे 100, तो फिर जो बेबी है गाइस उसकी एज आ जाएंगी फिर 2 ईयर, ठीक है, ये समझ गया, ठीक है गाइस, 2 ईयर इज द फाइनल आंसर।